नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जिस दिन का सबको इंतजार था। आज तारीख है 4 जून और देश में प्रधानमंत्री किसे बनना है ये तो तय हो ही जाएगा। बिहार की 4400 सीट पर अब रुझान आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, 5 सीटों पर रुझान आया है, जिसमें से 3 पर एनडीए आगे चल रही है, 1 पर आरजेडी आगे चल रही है और 1 पर इंडिपेंडेंट को बढ़त है। देखिए, हम सभी सीट के बात करते हैं। सबसे पहले पूर्णिया में पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, पूर्णिया में संतोष कुशवाहा वर्सेस बीमा भारती लड़ाई थी। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और पप्पू यादव अब जब वोटों की गिनती शुरू हुई है तो जो पहले रुझान निकल गया है, देखिए रुझान आपको बता रहे हैं, पहला रुझान जो निकल गया है उसमें पप्पू यादव बढ़त बनाए हुए हैं। पप्पू यादव को काफी बढ़त मिली है, पहला जो रुझान आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको बताएं, वाल्मीकि नगर में जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं, सुनील महतो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हम पटना साहिब की बात बताएं, पटना साहिब में भी कहा जाता है कि कांटे की टक्कर है अंशुल अभिजीत और रविशंकर प्रसाद, लेकिन रविशंकर प्रसाद फिलहाल जो पहला रुझान निकल के आया है उसमें रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आरा से भी रुझान सामने निकल के आया है। आरा में आरके सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे, वो भी आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा था वहां पर लेफ्ट से काफी कांटे की टक्कर है, लेकिन आरा में आरके सिंह आगे चल रहे हैं, जो रुझान निकल के आ रहे हैं। देखिए, 5 सीटों पर रुझान निकल के आए हैं, जिसमें से 3 पर एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है, 3 पर एनडीए ने बढ़त बनाई है, जिसमें से 1 वाल्मीकि नगर में जेडीयू ने बढ़त बना रखी है, पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद ने बढ़त बनाई है, आरा में आरके सिंह ने बढ़त बनाई है, पप्पू यादव पूर्णिया से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम अररिया की बात करें तो अररिया पर प्रदीप सिंह वर्सेज शहनवाज आलम का जो मुकाबला हो रहा था उसमें शहनवाज आलम आगे चल रहे हैं। अररिया से भी रुझान निकल के आ रहे हैं। शहनवाज आलम जो कि बिहार सरकार में मंत्री रहे, पहले 2020 में एमआईएम पार्टी से जीत कर आया, उसके बाद फिर कैसे आरजेडी ने एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था, जिसमें शहनवाज आलम का मुख्य नाम था। और शहनवाज आलम इस बार आरजेडी के टिकट पर अररिया से चुनाव लड़े और काफी आगे चल रहे हैं। देखिए, पहला जो रुझान सामने निकल के आया है, पहले रुझान में 5 सीटों पर जो सामने से काउंटिंग हो रही है, वहां से जो तस्वीरें निकल के रही है, वहां से जो रुझान सामने निकल के आया है वो आपको समझा रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर हो रही है। आज 4400 लोकसभा सीट पर कौन किस पर आगे चल रहे हैं, अंतिम रिजल्ट क्या होगा, वो सब आपको लाइव सीरीज पर हम बताएंगे। लाइव सीरीज आपको पल पल का अपडेट देता रहेगा, लाइव सीरीज आप तक जानकारी पहुंचाता रहेगा। कई ऐसी वीआईपी सीट्स हैं, उस पर भी आपको बात बताएंगे, उसकी भी जानकारी देंगे आपको खबरों के माध्यम से। तो 5 सीटों पर रुझान सामने निकल के आया है, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। लाइव सीरीज आपको सबसे पहले बड़ी खबर बता रहा है। लाइव सीरीज पर 3 सीटें जो हैं वो अभी एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है, जिसमें जो रुझान निकल के आया है 3 सीटें, पटना साहिब, वाल्मीकि नगर और आरा। इसके अलावा अररिया में आरजेडी आगे चल रही है, शहनवाज आलम आगे चल रहे हैं और पप्पू यादव पूर्णिया में, पप्पू यादव काफी आगे चल रहे हैं। देखना होगा बीमा भारती संतोष कुशवाहा, क्या बीमा भारती काफी पीछे छूट जाएंगी या वो भी आगे आएंगी। अभी तो कई राउंड की गिनती होनी है, उतार चढ़ाव लगा रहेगा, वो भी जब रुझान निकल के आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, कई ऐसी वीआईपी सीट्स हैं उसकी भी जानकारी आपको देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।